कार्यशाला को किया संबोधित, कहा नई शिक्षा नीति से विकास के नए द्वार खुलेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा वर्षों से खाली पड़े पदों पर भर्ती का शुरू हो चुका है महाअभियान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, दिशा की बैठक में कहा सड़कों के लिए एडवांस प्लान जरूरी। और गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को किया गिरफ्तार, दुमका एसपी समेत एक दर्जन लोगों की हत्या का है आरोपी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। आयुष्मान भारत की वजह से देश के 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है। हमने इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया, गरीब से गरीब जो है आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है उसको भी आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने ये बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी उसे इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव ये हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे, 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में, जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां 50 और कहां 209, और आने वाले अभी 10 साल का जब हिसाब लगाऊंगा तो ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, वो 400 तक पहुंचने वाला है। बीते 7-8 साल में भारत में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में 75% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में अब एनुअल टोटल मेडिकल सीट्स की संख्या बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी है, यानी अब देश को कहीं ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं, देश में तेजी से आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। इंक्लूसिवनेस के लिए लाई गई एक योजना का जमीन पर ग्रोथ की दृष्टि से भी इतना बड़ा प्रभाव हम बिल्कुल देख सकते हैं, हम उसको आंक सकते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का आज निधन हो गया। जापान के नारा सिटी में भाषण देते वक्त एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी थी। हमले के बाद श्री शिंजो को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया और उनके निधन पर भारत में 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए
हमले से बहुत दुखी हूं, मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है। राज्यपाल आज जमशेदपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाएं और चुनौती विषय पर कनक्लेव को संबोधित कर रहे थे। जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति पर आयोजित एक कनक्लेव को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, पहले की शिक्षा नीति में बच्चे डिग्री तो हासिल कर लेते थे लेकिन उन्हें समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। मैट्रिक पास जैसा हो गया, जब तक डॉक्टर पीजी नहीं कर लिया तब तक एमबीबीएस का कोई महत्व नहीं होता। इस गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। हमको अपने स्टैंडर्ड को संभालना पड़ेगा, समानता और लाना पड़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि आज जरूरत डिग्री की नहीं अपितु ज्ञान की है और नई शिक्षा नीति में आप अपना ज्ञान आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। 70 साल में 12 वर्ष में शिक्षा सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी तक। और पहली बार 2020 शिक्षा नीति सरकार ने तो बनाया और सरकार ने खुद नहीं बनाया, देश के जाने माने वैज्ञानिक काफी सोच विचार कर इस शिक्षा प्रणाली को बन रखा। जमशेदपुर के आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित इस कनक्लेव को कॉलेज के सचिव भरत सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव भी मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 250 से अधिक पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कुछ दिनों पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने इनकी नियुक्ति की अनुशंसा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियुक्ति के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती गई। इसमें 32 अभ्यर्थी बीपीएल श्रेणी से चयनित हुए हैं। और आइए सुनकर आपको ताजुब होगा कि आज उन 252 अभ्यर्थी में से लगभग 32 अभ्यर्थी ऐसे ये बैठे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर मानव बल और उनके मेहनत के दम पर राज्य एक नया मुकाम तय करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों ने किस परिस्थिति में आज यहाँ के मुकाम को पाया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में राज्य के कृषि मंत्री बादल और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 18,815 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15,899 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,22,335 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 102 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 56 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 462 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.68% हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 198,51,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री सखूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के गर्जा में एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 10 योजनाओं का उद्घाटन और 20 योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पौधरोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया। सिमडेगा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 20,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस योजना का लाभ सरकार को अपने बच्चों के माध्यम से मिले, यहाँ आवासीय विद्यालय। अब हमने पहले एक बच्चे पर हम एनुअली कितना खर्चा करते थे, एनुअली हम लगभग 7,000 रुपए खर्चा करते थे, लेकिन अब हम उसको बढ़ा करके 1,09,000 रुपया प्रति स्टूडेंट हमने फिक्स किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तत्कालिक और दीर्घकालिक दृष्टि से विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान देने की अनुशंसा की थी जिसे शामिल किया गया है। ये देश भर में प्रारंभ किया गया है और उसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित करते हुए उनकी पढ़ाई की जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है कि जो स्थानीय भाषाएं उन भाषाओं को नई शिक्षा नीति में खास महत्व दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने दिशा की बैठक में भी हिस्सा लिया और अधिकारियों को सड़कों के लिए एडवांस प्लान करने का निर्देश दिया। इस दौरे के क्रम में उन्होंने लोगों से सीधा संवाद भी किया और लोगों की समस्याएं सुनी। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण, निगरानी, प्रशिक्षण एवं रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार समेत अन्य कई मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में झारखंड राज्य को तीसरा स्थान मिला है। राज्य ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड सरकार द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। माध्यम से घर घर जाकर दस्तक देकर फीवर जांच वगैरह करने का भी एक पूरा लार्ज स्केल पर काम करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ उससे जुड़ी दवाइयों को भी हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि जो है हम लोगों को आगे बढ़ा जा सके। और इस बार हम लोग सर आपके आशीर्वाद से जो हमारा मलेरिया में अब हम तीसरे स्थान पर आने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के सर स्थितियाँ बहुत ठीक है और आपके सानिध्य में झारखंड राज्य बहुत तेज गति में स्वास्थ्य की दिशा और दशा के लिए काम कर रहा है। और जहाँ पर भी सर के कोई भी आदेश निर्देश होंगे उसका अक्षरशः पालन झारखंड राज्य करेगा सर, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ सर। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा में 6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी योजनाओं का आज ऑनलाइन उद्घाटन किया। लोहरदगा के जिला परिषद सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विधायक मद से विभिन्न योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। जनता ने मुझे विधायक बनाया, विधायक मन से ये भवन बनाया हमने। भारत सरकार की स्कीम से सुदर्शन भगत जी मशीन दिला दी, यहाँ के डॉक्टर ट्रेनिंग पा के आए हैं और डायलिसिस यहीं लोकली होगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा यहाँ के लोगों को मेरे तरफ से और यहाँ के लोकल सांसद सुदर्शन जी के सहयोग से ये हुआ है और यहाँ के लोगों को फायदा इसको उठाना चाहिए। साथ साथ ये भी कहूंगा यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन कल बैठेगा, कल भी आइएगा देख लीजिएगा। 25 लाख की मशीन है यहाँ, यहाँ पुराना मशीन होता है उसे
एक्सरे बढ़िया होता नहीं है, पता नहीं चलता है, और डिजिटल में साफ साफ सब कुछ दिखेगा। तो वो मशीन एक इंडस इंड बैंक है, उसके सहयोग से मैं बैठवा रहा हूं। राज्यसभा सदस्य सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राजनीतिक दलों को सेवा भाव से कार्य करने की आवश्यकता है, वरना जनता उन्हें सिरे से नकार देगी। श्री प्रकाश पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राजनीतिक दलों को समाज सेवा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की हमारी बहनें इस मामले में अव्वल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में पाते हैं, लेकिन सामाजिक संवेदनाओं को नजदीक से पहचान लेकर काम, इसलिए हर कार्यकर्ता को, हर बहनों को, हर भाइयों को अगर राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं लोग, तो सामाजिक क्षेत्र में जाकर के समाज के दर्द को समझने का काम कीजिए, किस प्रकार से कौन और बोले की वस्तुओं में मांगते हैं और उनकी जरूरत क्या है। तो झारखंड में आप आइएगा कि हम पुरुष से आगे बढ़कर के काम करने वाली अगर कोई समाज है तो महिला समाज। श्री प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक क्रांति की शुरुआत हमेशा महिलाओं को ध्यान में रख कर करते हैं, और इसीलिए महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया है। और 11 करोड़ प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष, 11 करोड़ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए शौचालय का निर्माण। उन्होंने कहा कि भाजपा के विकास के एजेंडे के केंद्र बिंदु में हमेशा महिलाएं होती हैं, इसलिए केंद्र के 8 वर्षों के कार्यकाल में 9 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा और इसलिए 9 करोड़ घरों में गैस के एलपीजी के सिलेंडर देने का काम किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर था कि पार्टी कार्यकर्ता आम जनों से नजदीकियां बढ़ाकर उनकी समस्याओं को दूर करने की पहल करें, ताकि भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ पार्टी को मिल सके। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राजधानी रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज जेम पोर्टल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेम पोर्टल की राष्ट्रीय प्रभारी उषा वाजपेयी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर समेत पार्टी के महिला मोर्चा से जुड़ी अन्य महिलाएं उपस्थित थीं। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में गारमेंट ई मार्केट जैम पोर्टल के जागरूकता सह पंजीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए पोर्टल की राष्ट्रीय प्रभारी उषा वाजपेयी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में जैम पोर्टल एक ऐतिहासिक कदम है। तो एक आर्थिक सक्षम बनाने का देश के इतिहास को बदलने की एक कोशिश है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जब आर्थिक जगत से जुड़ेंगी, अपने घर को ही नहीं, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को स्ट्रांग बनाएंगी। जैम पोर्टल के राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और बेलगाम बाजार पर नियंत्रण के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। आज इस पर 1.25 लाख से अधिक उद्यमी पंजीकरण करा चुके हैं। अब जो जेम पोर्टल जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, ये जेम पोर्टल का लॉन्च हुआ है 2016 में, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और देश का बागडोर जब उन्होंने संभाला, तो उन्हें पता चला कि मतलब तब ज़्यादा हमारे ध्यान में उनके आया कि क्यों ना हम एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लाया जाए जिसमें सारा नियंत्रण किया जा सके। मौके पर मौजूद राज्यसभा सदस्य सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस व्यवस्था से छोटे उद्यमियों की बाजार की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पोर्टल के माध्यम से एक व्यापार करने का आपके सामने एक व्यवस्था एक्सिस्ट करता है। दरअसल केंद्र सरकार छोटे उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए विस्तृत बाजार देना चाहती है, इसी लिहाज से गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जैम पोर्टल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पोर्टल पर करीब 7.5 लाख लघु उद्यमियों के पंजीकरण
का लक्ष्य लेकर काम जारी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज गोड्डा के पुड़ैयाहाट, हरियारहा और शिवनगर का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आगामी 12 जुलाई को देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। श्री दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से उन्होंने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। हमने देखा कि किस प्रकार से मोदी जी के कार्यक्रम को सफल करने के लिए वहां के कार्यकर्ता किस प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, और उन्होंने तय किया कि क्या करें, आमंत्रण ट्रेडिशनल ढंग से आमंत्रित करने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया। पाकुड़ के सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में आज जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हुई। वार्षिक एक्शन प्लान को लेकर हुई इस बैठक में सांसद विजय हांसदा ने डीएमएफटी की राशि से जिले के शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। सांसद ने इस राशि का उपयोग जनोपयोगी कार्यों में करने का निर्देश दिया। सेक्शंस में पैसे खर्च करने हैं, उसका नियमावली बना रहता है। पैपुरों की स्वीकृत योजनाओं का भी हम लोगों ने आकलन किया, साथ ही साथ और नई योजना जो हमें करने हैं उसको भी हम लोगों ने अभी देखा है, और नया प्रपोजल जल्द ही और सबमिट होना है, उस पर जल्दी कार्य होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं और मुझे लगता है उसमें जिला को भी फायदा हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके अन्य करीबियों के ठिकानों पर आज साहिबगंज में छापेमारी की जा रही है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि पंकज मिश्रा को ईडी ने उत्तराखंड से दिल्ली लाकर पूछताछ कर रही है। श्री दुबे ने यह जानकारी भी दी कि ईडी की छापेमारी में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके समर्थकों ने यहां से 5 करोड़ से ज्यादा नकद और हजारों करोड़ की संपत्ति मिली है। गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली पर दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत सिंह बलिहार समेत एक दर्जन लोगों की हत्या का आरोप है। अमित रेणु का कहना है कि इस हार्डकोर नक्सली की लंबे समय से तलाश थी। पहचान उपरांत ये कन्फर्म हुआ है कि जो पकड़ाया गया व्यक्ति है वो सैक मेंबर है और जिसकी तलाश काफी दिनों से झारखंड पुलिस को रही है। पुलिस अधीक्षक ने उग्रवादियों से मुख्य धारा में शामिल होने और नक्सलियों के लिए बनी सरकारी आत्मसमर्पण नीति योजना का लाभ लेने की अपील की, जिसमें कई सफलताएं प्राप्त हुई है। अभियान के दौरान कई नक्सली या तो पकड़े गए या फिर झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पित खुद को किया है। गिरफ्तार नक्सली नंदलाल मांझी के विरुद्ध दुमका के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार और 6 चुनाव कर्मियों को विस्फोट कर मार डालने का आरोप है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के सदर थाना में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने शीशा दुकान के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में आज प्रदूषण बोर्ड की बैठक आहूत की गई। बैठक में कई निर्णय लिए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर पलामू के सांसद वीडी राम ने आज दिव्यांग जन के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में 1100 दिव्यांग जनों में सहायक उपकरण वितरित किए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा ये उपकरण लाभुकों को मुहैया कराए गए। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जोन के अलग अलग स्टेशनों से चलने वाली 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ये ट्रेनें अलग अलग डेट पर कैंसिल रहेंगी, जिससे पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग द्वारा आगामी 10 जुलाई को ज्योतिष विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस एक दिवसीय संगोष्ठी का मूल विषय वास्तु विज्ञान प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य निश्चित किया गया है।
इस संगोष्ठी के उद्घाटनकर्ता रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत कुमार सिन्हा होंगे। साहिबगंज के डालसा अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के निर्देशानुसार आगामी माह 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेंद्र कुमार ने व्यवहार न्यायालय परिसर में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पक्षकारों को इस अदालत के फायदे से अवगत कराने की अपील अधिवक्ताओं से की। साहिबगंज विकास भवन सभागार में डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार ने 1000 दिवसीय समर अभियान प्रगति की समीक्षा बैठक की। समर अभियान राज्य सरकार का विशेष अभियान है। इसके तहत डोर टू डोर सर्वे कर कुपोषित एवं एनीमिया पीड़ित महिलाओं बच्चों को चिन्हित कर उपचार किया जाएगा। अभियान के बाद कुपोषण मुक्त होने वाली पंचायतों को 1-1 लाख रूपये दिए जाएंगे। चतरा नगर परिषद क्षेत्र यानी शहर को स्वच्छ व सुंदर तथा कचरा मुक्त बनाने की दिशा में नगर परिषद ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, अध्यक्ष गुंजा देवी और उपाध्यक्ष सुदेश कुमार ने 4 ट्रैक्टर ट्रोली तथा शौचालय गाड़ी एवं संयंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची में 10 जून की हिंसा से सहमी पुलिस बकरीद व सावन माह में किसी भी तरह की जोखिम की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाह रही है। हिंसा से सबक लेते हुए पुलिस इस कोशिश में जुटी है कि इसी माह होने वाले पावन दिवस पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस ने खुद को तैयार करने के लिए आज मॉक ड्रिल की। आदिवासी छात्र संघ के द्वारा केंद्रीय कार्यालय करमटोली में 22वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उराव ने संघ के विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 29 जून की रात भी पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले और व्यवसायी कन्हैया सिंह की हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजवीर सिंह ने अपनी प्रेमिका और कन्हैया सिंह की पुत्री अर्पणा तथा दोस्त निखिल गुप्ता के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि अपराधियों ने 20 जून को ही पटना में कन्हैया सिंह की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन मौका नहीं मिलने के कारण उन्हें उस दिन सफलता नहीं मिली। करीब 10 बजे आदिपुर थाना क्षेत्र के हरिओम नगर में कन्हैया सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जो कि ईचागढ़ के पूर्व विधायक श्री अरविंद जी के खास साले थे। और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है और ये जो है कन्हैया। गुमला सदर थाना क्षेत्र के भंडरिया भरदा मार्ग में खटवा नदी के पास विगत 3 जुलाई को पुलिया निर्माण में लगे एक रोलर को जलाने में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुमला के एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। रोलर वो खटका नदी के किनारे कुछ अपराधकर्मियों द्वारा आग लगाने की बात आई थी, उसमें गुमला थाना कांड संख्या 198/22 धारा 335 भादवी में कांड अंकित किया गया, जिसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर में शैक्षणिक व्यवस्था पर कार्यशाला को किया संबोधित, कहा नई शिक्षा नीति से विकास के नए द्वार खुलेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 252 पदाधिकारियों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा वर्षों से खाली पड़े पदों पर भर्ती का शुरू हो चुका है महाअभियान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिशा की बैठक में कहा सड़कों के लिए एडवांस प्लान जरूरी। और गिरिडीह पुलिस ने 25 लाख के इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को किया गिरफ्तार। दुमका एसपी समेत एक दर्जन लोगों की हत्या का है आरोपी।